नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के आजाद के ऊपर हुआ एक जानलेवा हमला कल देवबंद में, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। पक्ष का हो या विपक्ष का हो, या जो चंद्रशेखर आजाद से नफरत करता हो या प्यार करता हो, सभी ने उनके लिए कुछ ना कुछ लिखा, उनकी तबियत, उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ ना कुछ लिखा और उनका हाल चाल जाना। लेकिन इस भारत में और यूपी के दो बड़े सूबे के नेता ऐसे रहे जिन्होंने कोई ट्वीट नहीं करा, कोई जानकारी नहीं दी और मतलब कुछ भी लिखा ही नहीं इस पूरे मामले के बारे में, इस पूरे कांड के बारे में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ की, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री है। लॉ एंड ऑर्डर संभालना उनकी जिम्मेदारी है और लॉ एंड ऑर्डर कितना संभल रहा है यूपी में, आप सब जानते हो, जंगल राज बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों, बहुजन समाज की एक बड़ी नेत्री है जिसका हम सब लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, माननीय बहन मायावती जी, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोला। हालांकि दोस्तों, लोग ट्विटर के ऊपर लगातार लिख रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर बहन जी को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि भलाई चंद्रशेखर उनका विरोधी हो सकता है, भलाई राजनीतिक तौर पर एक मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कुछ भी हो, वो तो है एक समाज का लड़का ही है, तो समाज से आता ही, चाहे वो विरोधी हो आपका कैसा भी हो, लेकिन वो समाज से जब आता है, समाज की बात करता है, तो एक सामाजिक नेता होने के नाते या फिर एक राजनीतिक नेत्री होने के नाते और बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेत्री, सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं करा। एक ट्वीट करना चाहिए था, ऐसा लोगों का बोलना है, ऐसा मानना है कि एक ट्वीट करना चाहिए था या फिर कोई बयान देना चाहिए था। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा नेताओं के साथ कुछ होता है या कांग्रेस नेताओं के साथ कुछ होता है या किसी की भी कुछ भी बात होती है तो बहन जी का जल्दी से ट्वीट आ जाता है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहने के बाद भी चंद्रशेखर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ तो बहन जी ने ना एक ट्वीट किया ना कोई बयान दिया। इससे काफी बहुजन समाज के लोग ही नाराज है जो ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं ट्विटर के ऊपर कि लोग बहन जी के बारे में क्या लिख रहे हैं। वही जो लोग बहन जी के समर्थक है उनका कहना है कि चंद्रशेखर ने अपने ऊपर यह हमला खुद ही कराया है, खुद प्रायोजित हमला था जिससे उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल सके या फिर वो फेमस हो चुके और मीडिया में छा सके और सहानुभूति ले सके। सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन एक सामाजिक नेता होने के नाते, एक बहुजन समाज का सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते बहन जी को एक ट्वीट या एक बयान तो देना ही चाहिए था, ऐसा लोगों का मानना है। और वही योगी आदित्यनाथ का भी इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया, जो कि एक सूबे के मुख्यमंत्री है और उनके मुख्यमंत्री रहते एक दलित समाज के बेटे और बड़े उभरते हुए नेता के ऊपर इतना बड़ा जानलेवा हमला हो गया जिसमें कुछ भी हो सकता था। तो इन दोनों नेताओं के ट्वीट नहीं आए, बाकी देश विदेश से सभी के ट्वीट आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हो, सभी के ट्वीट आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सभी के आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस बारे में, इसे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना।